हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी ऑनलाइन विद केके में। आज की जो हमारी वीडियो है, बुक का नाम है BPSC 133। इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने हिंदी मीडियम में ये वीडियो अपलोड कर दी है और इसमें एक्सप्लेन भी किया है, तो आप चाहते हैं तो वो देख सकते हैं विद एक्सप्लेन। और मैंने BSOC 144 जो आपका 134 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी। इंग्लिश मीडियम में दो वीडियोस हैं तो आपको वो मिल जाएंगी। एक वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड की थी, 2 वीक्स पहले, और एक मैंने रिसेंट में ही अपलोड की, तो आप वो भी देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ कंपैरेटिव गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसमें बताना कि जो गवर्नमेंट है, कंपैरेटिव जो गवर्नमेंट करते हैं और कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, इनों में क्या डिफरेंट है वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट की जब बात होती है तो हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में उसमें पढ़ते हैं। गवर्नमेंट के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे कि उनका संसद कैसे है, वहाँ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब चीज़ों के अंदर हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट के अंदर। बट जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर हम पार्टीज़ की बात करते हैं कि पार्टी कैसी है, एकल है, मतलब कि मल्टी पार्टी है, मल्टीपल वाली पार्टियां हैं, ये जो सिंगल होती है और डबल, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, पोज करके आप ये सारे आंसर्स पढ़ लेना। तो इसमें मैं वीडियो आपको चला देती हूँ क्योंकि फ़ोन में स्पेस जो है वो फुल हो रहे हैं बार बार, तो मैंने बहुत देर से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करी, हो नहीं पा रही, तो इसलिए मैं वीडियो बस इसको चला रही हूँ जल्दी, ताकि आपके क्वेश्चंस कवर हो जाए। बाकी आप अगर इसकी PDF लेने चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट PDF के चार्जेस हैं, तो PDF के जो चार्जेस हैं वो आप पे करके PDF ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही चार्जेस हैं। और इसमें 3 PDF है टोटल, एक ही इस वीडियो में मैं आपको तीनों PDF दिखा दूंगी। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, स्टॉप करके इजीली पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप PDF लेके भी उसके प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं, तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे, फाइनल ईयर में, या फिर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, जो भी स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग जब वो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, तो वो बुक्स मत लेना आप, क्योंकि मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी, PDF बनाऊंगी, तो आप वो ही ले सकते हैं। बुक लेने की आपको फिर ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बुक बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी आपको। और जो इग्नू से बुक आती है वो भी मत लेना, क्योंकि इग्नू से जो बुक आती है उसके हम पे करते हैं, आपको लगता होगा ऐसे ही मिलती है, बट आपने ऑप्शन सही से चेक नहीं किया होगा। इग्नू की बुक के 700-800 रुपये कुछ लगते हैं, तो अगर आपको वो हेल्पफुल लग रही है तो ठीक है, आप ले सकते हैं, बट आपको लगता है कि हम उसमें से नहीं पढ़ रहे हैं जो भी हैं और हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर चाहिए, पेपर के टाइम पर ही पढ़ना है, तो फिर आप PDF से ही पढ़ सकते हैं। बट अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, तो बुक आपके लिए सही है, क्योंकि बुक पढ़ने के लिए आपको 2-3 महीने पहले से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी बुक भी कवर होगी और सारे सब्जेक्ट भी कवर होंगे। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम के टाइम पे पूरी बुक लेके बैठेंगे, वो कवर ही नहीं होगी, क्योंकि बुक के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके आपको पता है कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं टॉपिक से बनते हैं, हम जब बुक ओपन करते हैं उसके अंदर जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं उन टॉपिक से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि टॉपिक कोई भी आपका हो सकता है, एक चैप्टर, एक जो आपका यूनिट होती है, एक चैप्टर जो होता है उसके अंदर 8 से 7 पॉइंट होते हैं, तो इसका मतलब 8 से 7 पॉइंट आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें से, तो उसी में से सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियोस बनाऊंगी थर्ड ईयर के लिए आपके, जो नेक्स्ट ईयर जो आप आएगा आपका, या फिर नेक्स्ट टर्म के लिए जो मैं वीडियोस बनाऊंगी जुलाई सेशन के लिए, उसमें मैं पहले ही वीडियोस बना दूंगी, एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप भी चैप्टर वाइज भी पढ़ सकें और आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर भी समझ आ जाएँ। अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको एक्सप्लेन कर सकूँ और सारे वीडियो भी अपलोड कर सकूँ, PDF भी बना सकूँ, तो इसलिए अब जो जुलाई सेशन आएगा उसमें मैं सारी वीडियोस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और अच्छे सही से PDF भी बना दूंगी, ताकि आपको सब चीज़ सही से समझ भी आए। तो आप मेरे को आप जब फाइनल ईयर में जाओगे तो अपने कोड्स सब मेरे को सेंड कर देना एक बार, क्योंकि बहुत सारे कोड्स होते हैं, मैंने देखा है अभी असाइनमेंट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मैसेज आए थे, तो मैंने देखा डिफरेंट टाइप के कोड्स हैं एकदम, और वैसे भी न्यू सिलेबस है आपका तो सारा, तो आप उस मेरे को बता देना। और अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए होगा या फिर सोल्ड असाइनमेंट चाहिए है, तो आप मेरे को उसके लिए व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट PDF के चार्जेज हैं।
और आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे, इन सब पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करती हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप ग्रुप में लिमिटेशन होती है, तो मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पड़ते हैं, 4-5 ऑलरेडी बना रखे हैं, अब और बनाऊँगी। बट अब टेलीग्राम पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और असाइनमेंट के लिए मेरे को व्हाट्सअप कर देना, अगर आपको व्हाट्सअप सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, फिर हैंड रिटन असाइनमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर, उसके लिए भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और अब फाइनल ईयर के लिए आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर देना, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो, क्योंकि वो भी आपके आने वाले ही हैं। अगर आप अभी से ही पढ़ोगे तभी आप सारे एग्ज़ाम में अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और असाइनमेंट भी सबमिट कर देना टाइम से, 31 अप्रैल लास्ट डेट है, वैसे वो एक्सटेंड हो जाएगी, बट अभी 31 अप्रैल है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, और इन क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए होते हैं बट आपको लगता है डिफरेंट है, और ये इसलिए लगता है क्योंकि आपने क्वेश्चन से ध्यान से नहीं पढ़े होते, आपको लगता है कि एज इट इज़ ही क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें है तो कॉपी पेस्ट आएगा, ऐसे नहीं होता है। आप स्कूल के बच्चे नहीं हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो कॉलेज के स्टूडेंट की तरह ही फिर आपको समझना भी पड़ेगा कि जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज में मॉडिफाई होकर आते हैं, ऐसे सेम टू सेम नहीं आते हैं। बट कभी कभी होता है कि सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बट कभी कभी डिफरेंट टाइप से भी पूछा जाता है, बट वही आंसर होता है जो पीडीएफ में, उससे अलग तो कुछ नहीं आता है, क्योंकि पीडीएफ जब बुक से हैं तो जाहिर सी बात है इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर उसका पढ़ना है आपको। और इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, जितने भी इसमें टोटल मैंने क्वेश्चन आंसर रखे हैं वो सारे आप इसमें से देख सकते हैं। और आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हो मेरे को कमेंट करके बता देना, कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन से डेट को उसका एग्ज़ाम है, क्योंकि आप डेट मेंशन करते हो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं वीडियो बना पाती हूँ। वैसे तो मेरे को सब एग्ज़ाम की डेट पता होती है, बट ये है फिर मेरे को ढूंढना पड़ता है कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम है, आप जब मेंशन कर देते हो तो फिर मेरे को पता चल जाता है और मैं फिर उस पर वीडियो बना देती हूँ। तो अभी आपके जो BHIC है या फिर BPCC या फिर BECCC, ये सब कोड है ना आपके, और इंग्लिश का भी अभी एक दो सब्जेक्ट बचे हैं, तो वो सबके मेरे को बता देना, उसके जो जो स्टूडेंट है कमेंट कर देना, और कमेंट के साथ डेट जरूर मेंशन कर देना ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। और देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है, इसमें से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक तो ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना जो आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। जो भी इग्नू के स्टूडेंट हैं आप सब, उनको मेरा नंबर या फिर मेरा स्टडी सेंटर, ये जो है यूट्यूब चैनल, ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई से भी प्रोग्राम के हूँ, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट सब प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो मास्टर के हो, बैचलर हो, मतलब कि बीए के हो, क्योंकि मैं मास्टर के स्टूडेंट्स को तो पढ़ाती हूँ जो एमए के हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये वाले, बाकी जो ये बीए के स्टूडेंट हैं आप इन सबको भी रेफ़र कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना स्टूडेंट, क्योंकि मैं देखती हूँ इस पर बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं बट लाइक उतने नहीं होते हैं जितने होने चाहिए, तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे PDF से, तो उनको लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे को कमेंट भी कर देना, व्हाट्सअप भी कर देना, आपके लिए PDF हेल्पफुल रही या नहीं रही वो भी मेरे को कमेंट में बता देना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और सब पे रिप्लाई भी करती हूँ।
चाहे वो कभी भी करूँ, जैसे कि नाइट में जब मैं फ्री होती या फिर अर्ली मॉर्निंग में फ्री होती, मैं कमेंट ज़रूर कर देती हूँ या फिर पढ़ लेती हूँ मैसेज को जैसे ही फ्री होती हूँ। तो जिनके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, जो मेरे को मोटिवेट करते हैं, तो उनों की ही वजह से मैं रात में 12-1-1 बजे तक वीडियो भी अपलोड करती हूँ। जिनों के बहुत मैसेज आते हैं कि मैम प्लीज़ बना दो, हमारा एग्ज़ाम है, आप अच्छी वीडियो बना रहे हो, जो भी जैसे भी कमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग है। आप नहीं तो सोचो कि मैं क्यों रात में वीडियो अपलोड करूँगी, मेरे को सोना भी होता है, बट मैं रात में भी लेट नाइट भी वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा चल जाए, वो पढ़ ले कुछ इनों में से और कुछ क्वेश्चंस आ जाएं ताकि अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। तो इसलिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ, नहीं तो सुबह भी वीडियो अपलोड कर दूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट रात में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए रात में भी फिर मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ ताकि वो आराम से अपना देखते रहें और वेट ना करें वीडियो का कि मैम कब अपलोड करेंगी कब अपलोड करेंगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप देख लेना, और इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होंगे तो रिपीट भी होंगे, तो कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो सारे कर लेना, और जो नहीं रिपीट हैं वो भी करने हैं। तो जो रिपीट हैं तो उनों को कोई नहीं, तो जब भी आप पीडीएफ लो तो पीडीएफ में क्वेश्चन जो है उनों को देख लिया करो कि कुछ रिपीट है तो वो क्वेश्चन ना निकलवाओ, क्योंकि ऐसे फिर जो प्रिंट निकलवाओगे उसमें जो वह मनी वेस्ट होगी। तो जो रिपीट है उसको मत निकलवाया करो प्रिंट को। बस हमारे अब 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप कर लेना और वीडियो को देख के स्टॉप करके पढ़ सकते हो, या तो फिर पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो बस वीडियो अब हमारी जो है ख़त्म होने वाली है। क्वेश्चंस इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, एक पीडीएफ में 10 क्वेश्चंस है, तो 3 में 30 के अराउंड है, बट इसमें सिमिलर है तो 25-22 क्वेश्चंस भी आप समझ सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी हैं। तो बस हमारी वीडियो भी यहीं समाप्त होने वाली है। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिस पहुँच जाए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।